बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये है जी न्यूमेरिकल 11.6। अ स्टूडेंट क्लैप्ड हिज हैंड्स नियर अ क्लिफ एंड हियर द इको आफ्टर 5 सेकेंड्स। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ क्लिफ फ्रॉम द स्टूडेंट? इफ स्पीड ऑफ साउंड वी इज टेकन एज 346 मीटर पर सेकेंड। और इसका डाटा अगर लिखें तो टोटल टाइम फॉर इको जो है, इको का टोटल टाइम वो है 5 सेकेंड। और ये वो टाइम है जिसमें साउंड ने सोर्स ऑफ साउंड से ट्रैवल करके क्लिफ तक डिस्टेंस कवर किया है और फिर क्लिफ से वापस उस सोर्स तक आने का जो टोटल टाइम इको का टाइम है वो 5 सेकेंड। साउंड का एक साइड में ट्रेवल करने का डिस्टेंस यानी टाइम फॉर साउंड टू रीच क्लिफ वो डेफिनेटली इसका हाफ हो जाएगा। तो टाइम फॉर साउंड टू रीच क्लिफ इक्वल हो जाएगा 5/2। ये वैल्यू बन जाएगी 2.5 सेकेंड। और इसके बाद हमें गिवन है स्पीड ऑफ साउंड, ये लिखी हुई है 346 मीटर पर सेकेंड। और हमें फाइंड करना है डिस्टेंस ऑफ क्लिफ। तो आपको मालूम है डिस्टेंस का सिंपली फार्मूला होता है वी मल्टीप्लाइड बाई टी। जब किसी बॉडी की वेलोसिटी या साउंड की वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो तो तब डिस्टेंस इक्वल्स टू वी मल्टीप्लाइड बाई टी। अब इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। v की वैल्यू थी 346 मल्टीप्लाइड बाय टाइम यूज किया जाएगा 2.5। तो ये मल्टीप्लाई होने के बाद डिस्टेंस की वैल्यू आ गई है 865 मीटर।